जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए छोटी यूट्यूबर हो आपके सबसे मेरे लिए मायने रखते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पर असिस्टेंट रजिस्टर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल 38 पोस्ट है और प्लेसमेंट नंबर F5/E1/2024। सैलरी आप लोगों को जो मिलेगा वो UP गवर्नमेंट का लेवल 8 का सैलरी मिलेगा। 9,300 से लेकर 34,800 का पे स्केल आपको दिया जाएगा, ठीक है, ग्रेड पे अलग से। दोस्तों क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कोई भी डिसिप्लिन पे और 7 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों शुरुआत में बोल देता हूँ, ये जो जॉब एक्सपीरियंस पर मैटर आ गया है, ये जो नोटिफिकेशन है वो डेपुटेशन बेसिस रिक्रूटमेंट होने वाला है। ये कोई फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है, इसलिए आप लोगों का टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। एज लिमिट 30 से लेकर 45 ईयर के बीच में होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन का जो प्रावधान है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हिंदी में भी पब्लिश हुआ है, इंग्लिश में भी पब्लिश हुआ है, जिनको जो कंफर्टेबल है आप देख सकते हैं, ठीक है, थीके? मैं दोनों ही आप लोगों को दिखा दूंगा। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन। स्टार्टिंग डेट 28 अगस्त 2024 से अप्लाई स्टार्ट होगा और 28 सितंबर लास्ट डेट है। ऑनलाइन अप्लाई से पहले आप लोगों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, OTR जिसको बोलते हैं, ठीक है। OTR रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप लोगों को अप्लाई करना होगा। फाइनल एप्लीकेशन फी UR इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC 225 रुपये, शेड्यूल कास्ट एक्स सर्विसमैन के लिए 105 रुपये और PWD कैंडिडेट के लिए 25 रुपये। ऑफिशियल साइट www.uppsc.up.nic.in। डियर फ्रेंड्स, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इंग्लिश में पब्लिश हुआ है, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि हिंदी में पब्लिश हुआ है, इसलिए जो आपकी कंफर्टेबल है नोटिफिकेशन आप उसी से ही देख सकते हैं, ठीक है। आपका नोटिफिकेशन देखिए, ऊपर में एडवर्टाइजमेंट नंबर है, देख सकते हैं किस प्रकार से भर्ती होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। दोस्तों मुझे संस्कृत में लिखा हुआ हिंदी पढ़ने में दिक्कत होता है, बोल तो लेता हूँ थोड़ी बहुत लेकिन पढ़ने में दिक्कत होता है। मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई नहीं किया है, ठीक है, तो आप लोगों को मैं इंग्लिश वाला जो पार्ट है वहाँ से थोड़ा डिटेल्स दिखा देते हैं, ठीक है। आप लोगों को कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, कैसे नहीं करना दिया हुआ है, ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। नेट बैंकिंग आप लोगों को कैसे थर्ड स्टेज किस तरह से आप लोगों को एप्लीकेशन का जो फी है वो कैसे दे रहे हैं, नेट बैंकिंग कार्ड पेमेंट वो अदर मेथड दिया हुआ है, ये ऐसे देख सकते हैं आप लोगों के लिए। जो पोस्ट रिजर्व्ड है UR के लिए 18 पोस्ट, SC के लिए 7 पोस्ट, ST के लिए पोस्ट नहीं है, OBC के लिए 10 पोस्ट, EWS कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट और जिसमें PH कैंडिडेट LV 1 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन 1 पोस्ट और महिला 7 पोस्ट रिजर्व है, ठीक है। 38 पोस्ट में से ग्रुप पोस्ट जो ग्रुप बी नॉन गजेटेड, देखिए सैलरी मिलेगा 9,300 से लेकर 34,000 जो मैंने आप लोगों को बताया था, UP गवर्नमेंट का लेवल 8, ओके। यस है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका क्वालिफिकेशन। ये देखिए एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया था, पहले भी बताया, द कैंडिडेट मस्ट पोसेस द डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर इसके बराबर कोई भी इंस्टीट्यूशन से आपका ग्रेजुएशन। साथ में आपको देखिए बी ऑप्शन में, द कैंडिडेट मस्ट बी पोसेस वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 7 ईयर, आपको कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पर? एनी गवर्नमेंट ऑफिस, किसी भी सरकारी ऑफिस में अथवा ऑफिस ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का किसी भी ऑफिस में या फिर यूनिवर्सिटी में अगर आपने जॉब किया, विद नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही होना चाहिए, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, ड्राफ्टिंग एंड अकाउंट्स रूल्स आर एसेंशियल, ड्राफ्टिंग एंड अकाउंट रूल्स जो खास करके विषय है वो आर वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आपका ज़रूरी था। बाकी डिटेल्स आप लोग जनरल कोर्स इंस्ट्रक्शन है आप लोग देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन वैसे कम भरा नहीं है, लाइन बाय लाइन पढ़ने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के लिए ये जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक भी, ये देखिए एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को किस किस कास्ट को कितना एप्लीकेशन फ़ी देना होगा आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एज लिमिट जो मैंने बताया था आप लोगों को, देखिए 30 से लेकर 45 ईयर, ठीक है। आप एज रिलैक्सेशन मिलेगा UP स्टेट का, ठीक है, किस तरह से देख सकते हैं। दोस्तों पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल इंडियन कैंडिडेट के लिए ओपन होते हैं, इसलिए आप अगर अदर स्टेट से भी है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, लेकिन आपके पास जो क्राइटेरिया है वो ये होना चाहिए। अपर एज लिमिट जैसे देख लीजिएगा,
और ये जो एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा वो सिर्फ यूपी का रिजर्व कैटेगरी कास्ट को मिलेगा, अदर स्टेट्स वालों को नहीं मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करेंगे नहीं करेंगे पर दिया हुआ है, ठीक है। कुछ फॉर्म्स है ये आप लोग फिलअप करके आप लोगों को सबमिट करना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों ही नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आप लोग जाके देख सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोग के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद।